विंड सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश। जहांगीरपीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रूपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी, तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विंड सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। शेख यूसुफ कादरी को इनकी बेहतरीन खिदमात को मद्देनजर रखते हुए महेश्वरम असेंबली हलके से कांग्रेस पार्टी की जानिब से फिर एक मरतबा माइनॉरिटी चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया है। इस मौके पर शेख यूसुफ कादरी ने कांग्रेस पार्टी के हाई कमान और तेलंगाना स्टेट कांग्रेस पार्टी के कायदीन का तहदिल से शुक्रिया अदा किया और कहा कि कांग्रेस पार्टी उन पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा करते हुए इन्हें दोबारा से इस पोस्ट से नवाजा है और अच्छे तरीके से कांग्रेस पार्टी के लिए माइनॉरिटीज़ के लिए बढ़ चढ़ कर काम करने की इन्होंने उम्मीद जाहिर की। इस मौके पर महेश्वरम असेंबली हलके के लोगों ने शेख यूसुफ कादरी को ढेर सारी मुबारकबादें पेश करते हुए इनकी शालपोशी व गुलपोशी करते हुए इन्हें तहनियत पेश की और इनके हक में नेक दुआओं का नजराना पेश किया। इस मौके पर शेख यूसुफ कादरी ने तमाम का तहदिल से शुक्रिया अदा करते हुए खुशी का भी इजहार किया। आइए देखते हैं इस खसूस में वहाँ के चंद मनाजिर। पेश है नुमाइंदा रिपोर्टर फारूक खान की एशियन TV न्यूज़ के लिए यह खसूसी रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप लोगों के दरमियान आने का मकसद ये है, मुझे 10 तारीख के दिन AICC माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जानिब से महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी का चेयरमैन मुंतखब किया गया था। मैं पहले भी इस अहदे पर काम करा हूँ, उसी नज़र में रखते हुए फिर एक बार मेरे को कांग्रेस पार्टी मौका दी तो मैं हमारे नेशनल प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी साहब और हमारे नेशनल प्रेसिडेंट AICC इमरान प्रतापगढ़ी साहब, राज्यसभा MP और खसूसी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे फरहान आज़मी साहब, AICC वाइस चेयरमैन और तेलंगाना इंचार्ज, और हमारे अरशद शेख साहब और हमारे तमाम जो भी कांग्रेस के कायदीन जो जिसमें मेरे बहुत एक मदद के ऐसा करे और मैं मेरी काम की बुनियाद पे ये मेरे को अहदा दिया गया। इसलिए मैं 4 साल से मुसलसल इस अहदे पर काम कर रहा था, दूसरी मरतबा ये मेरे को मौका दिया गया और हमारे यहाँ हमारे महेश्वरम के इंचार्ज कंटेस्टेड MLA किचनागारी लक्ष्मा रेड्डी साहब, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हमारे DCC रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट चल्ला नरसिम्हा रेड्डी साहब और दीपा भास्कर रेड्डी साहब PCC मेंबर और रिंकू जंगा रेड्डी साहब और हमारे अमरिंदर रेड्डी साहब, तमाम यहाँ के महेश्वरम के जितने भी जिम्मेदारान जितने भी कांग्रेस के कायदीन हैं उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और हमारे हमारे स्टेट लेवल के कांग्रेस कायदीन जैसे फेरोज खान साहब है, राशद खान साहब है, उस्मान मोहम्मद खान साहब है, जितने भी माइनॉरिटीज लीडर है उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और खसूसी यहाँ का कैडर महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी का कैडर जो मुसलसल मेरे साथ 4 साल से माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में काम करके हम सब जो है सो पिछले 4 साल की जो एडिटेशन में हमने जो मौजूदा जो एक्स हुकूमत है BRS उसके खिलाफ हमने जब भी ज़रूरत पड़ी माइनॉरिटीज़ के हक में आवाज़ उठाई, एडिटेशन में हिस्सा लिया और हमेशा धरने पर हम लोग हमेशा धरने करने में आगे बढ़ चढ़ कर रहे। हमने मुसलमानों की आवाज़ के लिए हमने डिपार्टमेंट के ज़रिए हमेशा आवाज़ उठाई, जो जब हमको ज़रूरत पड़ी माइनॉरिटीज़ के साथ इंसाफ के लिए करना पड़ा तो हमने वो चीज़ को बखूबी नज़र में रखते हुए हमने आवाम का साथ दिया। उसी मेहनत को देखते हुए कांग्रेस पार्टी मुझ पर दोबारा बार मेरे पे भरोसा करी, मैं कांग्रेस पार्टी का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हमारे फरहान आज़मी साहब जो हमारे नेशनल वाइस चेयरमैन है, उनका जो तेलंगाना के इंचार्ज है, उन्होंने मुझ पर बहुत भरोसा दिखाया। मैं फरहान आज़मी साहब का बहुत जितना शुक्रिया अदा करूँगा वो कम है और हमारे अरशद शेख साहब, तमाम जितने भी मेरे साथ जो है सो हमेशा खड़े हुए रहे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पब्लिक कौम की खिदमत करते हुए मेरे पे फॉल्स केसेस 7 केसेस थे फॉल्स केसेस, उसमें भी जो है सो पूरे केसेस 2 दिन पहले पूरा ख़त्म हो गया वो केसेस को भी, जो जिसकी वजह से जो BRS गवर्नमेंट ने नाहक मुझ पर केसेस डाले थे उसकी वजह से जो धरनों में हम जो लड़े थे वो भी ख़त्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इस बार जो ये
मिली है, मैं अच्छी तरीके से काम करूंगा। और जहाँ यहाँ पर हम जैसे महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी में, हम पूरा महेश्वरम नहीं सिर्फ जलपल्ली में काम कर रहे थे, अब की बार हम जो है पूरे डिवीजन कंदुकुर, आर के पुरम, तुपगुड़ा म्यूनसिपालिटी, बड़ंगपेट और हम दीगर जो भी म्यूनसिपल डिविजन्स हैं, हम तमाम जो है कमेटीज डालेंगे, तमाम लीडर्स को हम जो है इस अहदे से, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अहदों से उनको डिवीजन में एक कैडर को मजबूत करके कांग्रेस पार्टी को हम मजबूत करेंगे। अब ये पार्लियामेंट इलेक्शन में हमारे जी रणजीत रेड्डी साहब को यहाँ से चिविल्डा पार्लियामेंट का उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने टिकट उनको यहाँ पर से दिया है, हम जी रणजीत रेड्डी साहब को यहाँ से कामयाब करेंगे और उनको यहाँ से जिता के बताएंगे। क्योंकि जो पिछले बीजेपी आज हिंदुस्तान में देखते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी की इस तरीके से आज जुल्मो सितम, अब काला राज, जंगल राज की तरीके से आज पूरे हिंदुस्तानियों पर जुल्मो सितम कर रहे हैं, अपनी तानाशाही चला रहे हैं। तो हमें ये करना है कि कांग्रेस पार्टी को इस बार लाकर ये सारी चीज़ों को रोकना है। अगर यही हाल चलता रहा तो आप देख लीजिए बहुत बुरे देश के हालात हो जाएंगे, इसको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि हमको कांग्रेस पार्टी, ये रीजनल पार्टी सिर्फ जो है सो वोट काटने के लिए आते हैं, कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी है। आपको कांग्रेस पार्टी शुरू से 70 साल से हिंदू मुसलमान को लेकर एक सेकुलरिज्म का नारा देकर हमेशा आप लोगों के दरमियान हमेशा खड़ी रही है। तो आप लोगों का यह फरीजा है कि जितने भी हमारे महेश्वरम के तमाम तेलंगाना भर के जितने भी मुसलमान भाई है, जितने भी माइनॉरिटीज है हिंदू मुसलमान, सबसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप अपना वोट, कीमती वोट कांग्रेस के हक में दीजिए। क्योंकि हिंदुस्तान के पिछले 10 साल से बहुत बुरे हालात हो चुके हैं, आप जहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी का नुमाइंदा है, आप उस नुमाइंदे के हक में वोट दीजिए, क्यों कांग्रेस पार्टी को कामयाब कीजिए। इंशाल्लाह जब कांग्रेस पार्टी इख्तदार में आएंगी, जिस तरीके से हमने 6 गारंटीज तेलंगाना में दिया गया, अब जो है सो नेशनल पे हमारे राहुल गांधी साहब ने 5 गारंटीज का वायदा किया, उसी तरीके से हर स्टेट के अंदर 5 6 गारंटी, कर्नाटक में जिस तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ, तेलंगाना में इम्प्लीमेंट हुआ, उसी तरीके से पूरे हिंदुस्तान भर में भी इम्प्लीमेंट होगा। तो आपसे गुजारिश करता हूँ कि किसी की बातों में ना आए, आप अपना वोट, कीमती वोट कांग्रेस पार्टी के हक में दीजिए, कांग्रेस पार्टी को कामयाब कीजिए। और मैं कांग्रेस पार्टी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय कांग्रेस। नाज़रीन, क्या आप भी बालों के झड़ने, वक्त से पहले सफेद होने, चेहरे पर दाग धब्बे, कील मुहासे या फिर झुर्रियों से परेशान हाल है, या फिर दांतों के मसाइल से दो चार है, तो आपके सभी मसाइल का हल रेवास फेस एंड टीथ एस्थेटिक्स के पास मौजूद है। यहाँ पर बेहतरीन व तजुर्बेकार डॉक्टर लावण्या की जेरे निगरानी में बेहतरीन एडवांस टेक्नोलॉजी व मशीनरीज का इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन व 100% मुकम्मल कामयाब इलाज फराहम किया जाता है। मजीद तफसीलात के लिए सीधे चले आए, हमारा पता है मासअप टैंक, फर्स्ट लांसर, फातिमा रफी रेसिडेंसी,